Hello everyone. You are welcome to Best Notes Tutorial. In this video, we are going to cover renesa criticism. As you all know, we have done already four topics uh, in this series. So, if you haven't watched them, you can go and check out the uh, videos on my channel. So, renesa criticism, general characteristics. First of all, we will be looking at this, and rival of uh, ancient learning. These are the topics. Uh, here we will be doing discussion on Renaissance and literary criticism, and finally you will be we will be talking about uh, Italian influence, the chief concern of the is and later you can see the five uh, main phases of evaluation of uh, sorry evolution of Renaissance criticism. So here are all the topics as you can see. If you wish to join uh, the complete course, you can contact me on WhatsApp. So let's begin. So first fact, the historical fact about Renaissance criticism and cause of uh, you know uh, birth of knowledge, you can say. And birth of knowledge की जब हम बात करें रोनेसांस के जब हम बात करें तो हम uh, बात करते हैं अभी ब्रिटेन uh, की हम बात कर रहे हैं या ब्रिटिश लिटरेचर की बात कर रहे हैं राइट सो फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिपोल टू द टर्क्स इन 1453 ये एक हिस्टोरिकल इवेंट था जिसकी वजह से हम कहें कि रूनीसा को एक स्पीडअप uh, मिला एंड ग्रीक स्कॉलर्स टू मूव वेस्टवर्ड और जितने भी ग्रीक स्कॉलर्स थे वो वेस्टवर्ड जाना शुरू कर दिए थे विद दर रिच ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर और अपने साथ जो कॉन्स्टेंटपोल से आए थे वो अपने साथ रिच ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर भी लेकर आए थे दे टुक शेल्टर इन इटली और वो सारे उन्होंने जो शेल्टर लिया था इटली में लिया था इसीलिए वनिसा का जो बर्थ प्लेस है उसे इटली भी माना जाती है माना जाता है सो इटली बिकेम सेंटर ऑफ ह्यूमनिटिक लर्निंग और इसके बाद अगर हम बात करें तो जो इटली था वो क्या बन गया था आपका सेंटर ऑफ ह्यूमिटिक्यूमनिस्टिक लर्निंग सो रिनेसा और द रिवाइवल ऑफ़ एनशियट ग्रेको रोमन कल्चर आर्ट एंड लिटरेचर सो अगर हम रिनेसा की बात करें तो ये रिवाइवल पीरियड था थियोलॉजी वॉज द मेन कंसर्न ऑफ द मिडिलजिस और जो मिडिलजिज़ में जो इम्पॉर्टेंट कंसर्न था वो क्या था आपका थियोलॉजी हुआ करती थी रिवाइवल ऑफ एंशेंट लर्निंग रिवाइवल ऑफ एंशियट लर्निंग की बात करें तो लिटरेरी थियोरी एंड क्रिटिसिजम वेंज्ड अब जो प्लेटो और एरिस्टोटल के टाइम का हमने पिछली वीडियोज में डिस्कशन किया था वो थोड़ा चेंज हो गया था थियोक्रेटिक टू सेक्युलर और जो चीज़ें हो गई थी वो थियोक्रेटिक टू सेक्युलर चेंजेस हो गई थी लॉट्स ऑफ ट्रांसलेशन और बहुत सारा वहाँ पर हमें ट्रांसलेशन देखने को मिलता है यंग राइटर्स फ्लॉक टू इटली और जो एक बड़ा रीज़न था रिनेसा का या रिनेसा क्रिटिसिज्म का वो क्या था कि जो यंग राइटर्स थे वो इटली की तरफ आ गए थे द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस और एक और चीज़ थी वो थी आपके प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन उससे क्या हुआ ज़्यादा चीज़ें हम ज़्यादा लोगों तक उस चीज़ को पहुँचा पाए और ज़्यादा लोग क्रिटिसिज्म को भी जान पाए या चीज़ों को लिटरेरी चीज़ों को जान पाए रिनिसा एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म आर्ट्स पोइटिका ऑफ हॉर्स अगर आपने आर्ट्स पोइटिका के बारे में नहीं जानते हैं आप तो आप पिछली वीडियो ज़रूर देखिए उसमें मैंने आपको का आर्स पोटिका के बारे में सारी चीज़ें बताई हुई हैड बी नोन थ्रू आउट द मिडिल एजेस एंड वॉज वाइडली यूज ड्यूरिंग रूनेसा और आर्ट्स पोइटिका को हम जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मिडिल एजेस में uh, इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस था लेकिन इससे बाद में अगर हम रूनेसा की बात करें तो रूनेसा में भी इसे वाइडली यूज़ किया गया इट इन्फ्लुएंस्ड इटली फ्रांस एंड इंग्लैंड और इसका जो इन्फ्लुएंस था इसीलिए ये आर्ट्स पॉइटिका इम्पॉर्टेंट है जानना आ, क्योंकि यहाँ पर क्या था कि आप लोगों का उसने पूरा इन्फ्लुएंस किया था इटली फ्रांस और इंग्लैंड को बट पॉइटिक्स ऑफ एरिस्टोटल वॉज अन नोन टू पीपल इन मिडल एजेस और पॉइटिक्स जो थी वो अभी तक मिडिलजेस तक उसे नहीं जानते थे लोग ओनली इन फिफ्टी फोटी एट इटालियन क्रिटिक रॉबर्ट एलो डिड अ लेटिन कमेंट्री ऑन इट and in 1549 it was translated and poetics became the predominant force in literary criticism तो ये एक short note है आप लोगों के लिए uh, for importance of arts poetica and poetics तो अगर आप लोगों ने ये चीज़ें नहीं जानते हैं आप इन दोनों के बारे में तो आप पिछला वीडियो ज़रूर देखिए Now let's talk about Italian influence. The chief concern of the is every work was depend on uh, इटालियन काउंटर पार्ट और जब भी हम बात करें कि कोई भी वर्क उस टाइम का जो था वो इटालियन काउंटर पार्ट से क्या हो रहा था उस पर डिपेंड था मीन्स जो इटालियन वर्क थे उनका भी काफ़ी इंपॉर्टेंस था अगर हम देखें इंग्लिश लिटरेचर में तो बहुत सारी चीज़ें अगर आप इवन शेक्सपियर का भी देखें बाद में तो आप लोगों को ये चीज़ें देखने को मिलेंगी क्रिटिकल राइटिंग्स वो ऑफ फाइव काइंड्स और जो क्रिटिकल राइटिंग्स थी वो लगभग पाँच तरीके की थी क्लासिकल क्रिटिकल टेक्स्ट विद क्रिटिकल कमेंट्स second was पोइटिक एंड वर्सिफाइड ट्रीटीज़ ऑन द आर्ट ऑफ पोइट्री as horace's ars पोइटिका और दूसरा क्या थी ये ट्रीटीज़ की तरह थी जैसे कि आपने आर्ट्स पोइटिका में देखा था हॉर्स की uh, ये बहुत डिटेल में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था साइंटिफिक एंड एम्बिशियली प्रोफेस ट्रीटीज़ ऑन द आर्ट ऑफ पोइट्री एज इमिटेशन ऑफ एरिस्टोटल्स पोइटिक्स सम क्रिटिक्स एंड मिन्ट्रा इट इज़ इटालन एंड इसके इट वॉज़ फ्रेंच तो मैंने आप लोगों को कहा कि पिछली वीडियोस को अगर आप छोड़ते हुए डायरेक्ट इस वीडियो को पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ नहीं आएंगी इसलिए अगर आपको पूरा कोर्स समझना है या पूरी वीडियोस को समझना है तो आपको सारी चीज़ें एक साथ प्रॉपर तरीके से पढ़ते हुए चलना है अपॉलजी और डिफेंस इसमें आपका एग्जाम्पल्स और सिडनीज डिफेंस डिफेंस ऑफ और अपोलजी फॉर पोइट्री ये भी हम अभी डिटेल में इसे पढ़ने वाले हैं सम प्रिफिस और स्पेशल ट्रीटीज़ डायरेक्टेड अगेंस्ट क्लासिकल ऑब्जेक्शंस टू पर्टिकुलर रोमांटिक फॉर्म सर जॉन हैरिंगटन प्रिफिक्स टू हिज ट्रांसलेशन ऑफ एरिस्टो जॉर्ज चैपमैन प्रिफिक्स द ट्रांसलेशन ऑफ एलियट तो आप लोगों ने देखा कि चैपमैन जो थे उन्होंने एलियट का ट्रांसलेशन किया था दे आर पैकुलर कंसर्न वर उनका जो कंसर्न थे वो क्या थे लिटरेजन डेकोरम एंड रूल्स मीन्स वो इन चीज़ों के बारे में बात करते थे और जो भी अगर हम क्रिटिक जिस चीज़ के बारे में बात करेगा वही आपका क्रिटिसिज्म बन जाता है कई बार हमारे माइंड में ये चीज़ें क्लियर ही नहीं होती हैं कि क्रिटिसिज्म है क्या क्रिटिसिज्म कुछ नहीं है जो भी राइटर्स के अपने थॉट हैं किसी र, किसी पर्टिकुलर वर्क के बारे में वही क्रिटिसिज्म बन जाता है तो थर्ड थिंग थी आपकी द क्लासिक वर्सेस इंग्लिश मीटर क्लासिक मीटर और इंग्लिश मीटर के बारे में उनका एक हम कहें कि वो अपने आइडियाज़ दिया करते थे जैसे आर्ट्स पोइटिका में डेकोरम और रूल्स के बारे में बात की गई है ओके लिटरी जनरल्स के बारे में पोइटिक्स में पूरे हमने डिटेल में देखा था जस्टिफिकेशन ऑफ इमेजिनेटिव लिटरेचर इन द फेस ऑफ अटैक्स फ्रॉम प्योरिस्ट एंड मॉरलिस्ट तो जो प्योरिस्ट uh, थे और मॉरल थे वो इमेजिनेटिव लिटरेचर को ठीक नहीं मानते थे सो ये सारी चीज़ें उन्होंने uh, बात की या उनका कंसर्न था इसके बारे में अब हम बात करते हैं यहाँ पर इवेल्यूशन इवोल्यूशन ऑफ रुनेसा क्रिटिसिजम फाइव पेजेस कैसे uh, इसमें इवोल्यूशन आया कैसे ये धीरे धीरे डिवेलप हुआ है तो पहला था आपका रेटोरिकल फेज फर्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ फेज वॉज विलसन आर्स ऑफ रेटोरिक तो जो आर्ट्स ऑफ रेटोरिक था 1553 में ये फ़र्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क था जो कि विल्सन ने लिखा था एंड सेकंड वाज रॉजर एस एम्स स्कूल मास्टर रॉजर एस एम का जो स्कूल मास्टर था जो पब्लिश हुआ था आपका 1568 में तो ये दो वर्क जो थे रेटोरिकल फेज़ में इंपॉर्टेंट थे क्लासी क्लासिफिकेशन एंड मेट्रिकल स्टडीज अब जो दूसरा आया था दूसरा फेज था उसमें क्लासिफिकेशन एंड मेट्रिकल स्टडीज़ के बारे में बात हुई थी द फर्स्ट सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ पोइट्रिक फॉर्म एंड सब्जेक्ट एंड रेटोरिकल फिगर्स वर शोन इन पुटिन होम्स आर्ट ऑफ इंग्लिश पोइजी इनका जो आर्ट ऑफ इंग्लिश पोइजी था एंड सेकेंड वॉज हारवेज लेटर्स एंड वेब्स डिस्करस ऑफ इंग्लिश पोइट्री दिस वॉज द फर्स्ट सिस्टमेटिक अटैम्प्ट To introduce classical meter into English poetry. So sometimes questions are asked like this: uh, Which is the first? Which work is the first systematic attempt to introduce classical meter in English poetry? So it was Webb's Discourse of English Poetry. You can see here. Now let's come to the next one: an Aerophagus group. it Sydney was the part of this group. So that group was under classicification uh, and mythical studies. Now let's come to the uh, third one. Apologetic criticism, uh, this was the stage of philosophical एंड apologetic क्रिटिसिज्म द बेस्ट एंड representative वर्क वॉज सिडनीज डिफेंस ऑफ पोइट्री, इसके बारे में मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ बहुत डिटेल में जानना जरूरी है क्योंकि इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिडनीज डिफेंस ऑफ पोइट्री और क्वेश्चन अगर ना भी पूछे जाए तो ये एक ऐसा वर्क है जिससे आपको कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म को जानने में हेल्प मिलती है

और इसमें इम्पोर्टेंस क्या है इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो दोनों अटैकर हैं और डिफेंडर हैं दोनों क्या करते थे एग्ज़ैम्पल कहाँ से लेते थे इटली से लेते थे इटली में क्या हो रहा था ट्रांसलेशन का वर्क बहुत हो रहा था ठीक है ट्रांसलेशन का वर्क हो रहा था तो आप देख सकते हैं कि चाहे पॉलिटिक्स का उन्होंने एग्ज़ाम्पल लिया या किसी और चीज़ का लिया तो कहीं ना कहीं हम हमारे दिमाग में एक क्लियर एक आइडिया बन जाना चाहिए कि इटली क्यों इतना इंपॉर्टेंट था कॉन्स्टेंटीपोल क्यों इतना इंपॉर्टेंट था कहाँ से कौन सी चीज़ें हो रही थी कहीं कही ना कहीं मैं एक तरह से स्टोरी बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में पूरी स्टोरी की तरह क्रिटिसिज्म एक तरह से आपके दिमाग में बैठ जाए बिगनिंग ऑफ क्लासिज्म बेन जॉनसन यहाँ पे जो क्लासिसम का दोबारा से शुरुआत होता है बेन जॉनसन उसके रिप्रेजेंटेटिव थे द स्टेज ऑक्यूपाइज द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस सेवनटीन सेंचुरी रिप्रजेंटेटिव क्रिटिक बेन जॉनसन एंड दे इस्टिक टू रूल्स और जो अगर हम क्लासिसम जब भी मैंने आप लोगों का जब भी क्लासिसिज्म की बात आती है क्लासिक्स की बात आती है तो सिंपल सा बात होता है रूल्स की दे वॉन्ट टू स्टिक टू रूल्स वो चाहते हैं कि चीज़ें रूल बॉम्बड हो हम रूल्स से इधर उधर ना लिखें न्यू क्लासिसज एंड द फ्रेंच इन्फ्लुंस सेकेंड हाफ ऑफ द सेवेंटीन सेंचुरी यहाँ पे जो सेवनटीन सेंचुरी थी उसका सेकेंड हाफ की बात हो रही है वहाँ पे न्यू क्लासिसम की बात हो रही है इटालियन इन्फ्लुएंस वाज रिप्लेस्ड और इटालियन इन्फ्लुएंस जो था उसे रिप्लेस कर दिया गया था यहाँ पे ड्राइडन आपके लीडिंग क्रिटिक थे रेस्ट्रिक्शन ऑफ लिटरेचर टू इमिटेशन ऑफ नेचर एंड कन्फाइनमेंट ऑफ इमेजिनेशन टू वेट तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी रेस्ट्रिक्शन टू लिटरेचर टू द इमिटेशन ऑफ नेचर ओके एंड सेकेंड वॉज कन्फाइनमेंट ऑफ इमेजिनेशन टू ट तो इमेजिनेशन के लिए कन्फाइनमेंट उन्होंने किया था तो अगर हम बात करें कि पूरा जो आज हम एक तरह से पूरा लिटरेचर की जो रूनीसा क्रिटिसिज्म का की बात करें कि वो कहाँ से शुरू हुआ उसके क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट थे कौन कौन से उसमें राइटर इम्पोर्टेंट है उनके कौन से इम्पोर्टेंट वर्क हैं जिनको हमें स्टडी करना है क्रिटिसिजम को समझने के लिए पर्टिकुलरली Renesa criticism ko ke liye. We have gone through all these topics today. In next topic, uh, we will be talking about the next topic. It was here five phases we have done. uh, it is here we will be see uh, looking at Renaissance criticism Sir Philip Sidney and apology for poetry apology for poetry के पूरे notes में आप लोगों के साथ share करूँगा next video में तो अगर आप लोगों ने अभी तक subscribe नहीं किया तो subscribe जरूर कीजिए and share जरूर कीजिए uh, do comment and give your valuable feedback so see you in next video till then goodbye